class. Good morning. Welcome to Udaan Academy. I am Shaida Khan, your class teacher for UKG. आज हम लोग UKG में क्या करने वाले हैं? Drawing. Let's start. हमारी drawing book का page number 13. अब हम color करेंगे. इसमें हमें क्या करना है? अपनी ये t-shirt दिया है. इस पे अपना favorite color करना है और अपना नाम लिखना है. हम अपने scale की help से ऐसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ऐसे और इस लाइन के अंदर हम अपने अपना नेम लिखेंगे. आप लोग अपना अपना नेम लिखिएगा एंड पूरा टी शर्ट पे क्रेयॉन कलर करना है जो आपका फेवरेट हो. मैं ये वाला कलर कर रही हूँ, ब्लू. ठीक है, आपको पता है ना हम लोग कैसे कलर करते हैं? लाइन के पहले स्टार्टिंग से यहाँ से कलर करते हैं ताकि हमारा कलर बाहर ना निकले. ठीक है, ऐसे ऐसे हम पूरे लाइन का कॉर्नर कॉर्नर कंप्लीट करेंगे. पहले बहुत ही स्लोली स्लोली करेंगे ताकि हमारा कलर बाहर ना निकले. कि पहले कॉर्नर कंप्लीट करेंगे हम लोग, फिर पूरा टी शर्ट फिल करेंगे. जो कलर करना है जो आपका फेवरेट हो. मैं यहाँ पर अपना कलर फेवरेट कर रही हूँ, है ना. हमारे फेवरेट कलर से आपको अपना टी शर्ट कंप्लीट करना है. ये हमने कॉर्नर कंप्लीट कर लिया है, हम इसे पूरा फिल करेंगे. ठीक है, हम हाफ ऑफ कलर में डिवाइड करेंगे. हमने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया है डार्क एंड हम यहाँ पर अपना एक और दूसरा कलर लेंगे. इससे हमारी टी शर्ट कलरफुल दिखेगी. आपको और चार कलर, फोर कलर, फाइव कलर, जितने भी कलर यूज़ करना हो टी शर्ट के लिए आप कर सकते हो. मैं यहाँ पर सिर्फ टू कलर कर रही हूँ टी शर्ट में. आपकी जो मर्जी हो, जितने कलर यूज़ करना हो आप कर सकते हैं. ऐसे करके हम अपना टी शर्ट कम्प्लीट करेंगे. ये हमारा ऊपर का कंप्लीट कर दिया है. अब मैं यहाँ नीचे दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो चार कलर यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना अपना नेम लिखना है, अपने अपने नेम की स्पेलिंग लिखनी है. अब मैं यहाँ पर सेकंड कलर पिंक यूज़ कर रही हूँ. और आपको पता है ना हमें कैसे करना है? पहले हम कॉर्नर कॉर्नर पर कलर करते हैं. इससे हमारी ड्राइंग अच्छी भी दिखेगी और हमारा कलर बाहर भी नहीं निकलेगा. हमारा कलर बाहर निकल जाएगा तो हमारी ड्राइंग कितनी गंदी लगेगी, है ना. इससे हम ऐसे ऐसे कलर करेंगे पहले. ठीक है, हमने यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर कलर कर लिया. अब हम इसे पूरा फिल करेंगे. ठीक है, कहीं पर भी वाइट नहीं छोड़ना है, हमें पूरा फिल करना है. ऐसे करके हम पूरा कलर कर देंगे टी शर्ट पर. ये हमारा कलर कंप्लीट हो गया. अब हम यहाँ और यहाँ कलर करेंगे. मैं भी यहाँ पर पिंक कलर ही कर रही हूँ. आपको जो ठीक लगे आप वैसा कलर करिएगा. ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई दोनों. अब हम यह कॉलर कंप्लीट करेंगे. ये हम कॉलर कंप्लीट कर दिए हैं, है ना. हमारा टी शर्ट कंप्लीट हो गया है. आपको अपने फेवरेट कलर से अपना टी शर्ट कंप्लीट करना है एंड लास्ट में अपना नाम लिखना है. यहाँ पर अपने फेवरेट कलर से यहाँ अपने अपने नेम की स्पेलिंग लिखनी है.
बाय बाय।